नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज डॉट इन और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स का मूवी रिव्यू। जी हाँ, चिल्ड्रंस ऑफ हेवन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले माजिद मजीदी की फिल्म है बियॉन्ड द क्लाउड्स। इस फिल्म में लीड रोल्स में है ईशान खट्टर और मालविका मोहन। तो मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी ने ये फिल्म देखी है। आदित्य से जानते हैं कि ये फिल्म में ऐसा क्या खास है, क्यों ये फिल्म देखने आए और क्या कुछ नया लेकर आया माजिद मजीदी। जी आदित्य, बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले मैं बता दूं कि माजिद मजीदी ईरानियन डायरेक्टर हैं। उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ हेवेंस जैसी अच्छी फिल्म बनाई है जो एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। उन्होंने जब भारत में फिल्म बनाने का ऐलान किया था उस वक्त ढेर सारे ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि क्या एक बार फिर से कोई स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म हमारे पास आएगी, क्योंकि उनके पहले भी कई विदेशी डायरेक्टर भारत में आके फिल्म बनाते रहे हैं और वो उनका जो विषय होता था वो यहाँ के स्लम, यहाँ की गरीबी, यहाँ का करप्शन, इसी पे फिल्म बना के बड़े बड़े विदेशी अवार्ड, फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड ले जाते थे। लेकिन माजिद मजीदी ने यहाँ इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा हटके जो रियल इंडिया है, जो भारत की आत्मा है, उस पे एक फिल्म बनाई है। ये दो भाई बहन के बीच की कहानी है। जो आमिर रहते हैं, आमिर का किरदार निभाया है ईशान खट्टर ने और तारा का किरदार निभाया है मालविका मोहन ने। तो ये दोनों भाई बहन के बीच की कहानी है। छोटे जब होते हैं तो उसी दौरान ये दोनों अलग हो जाते हैं। जो तारा हैं उनके पति शराब पीते हैं, ऐसा फिल्म बताया गया है, दिखाया नहीं गया है। एक नरेशन है, जब दोनों भाई बहन बाद में मिलते हैं तब वो बताते हैं कि क्यों वो दोनों अलग हुए थे। तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक अचानक एक जो ईशान हैं, जो आमिर के किरदार में हैं, आमिर वहाँ मुंबई में स्लम में ही रहता है लेकिन वो ड्रग्स का बिजनेस करने लगा है, ड्रग्स की सप्लाई करता है। और इसी दौरान एक दिन पुलिस उसको खदेड़ लेती है और वो भागते भागते जाता है अपनी बहन तारा के पास। तारा से वो ड्रग्स छुपाने को कहता है और वहीं छुपा के कुल मिला के वो सीन ऐसे गढ़ा गया था कि दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। फिर वो तारा के घर जाता है, दोनों पुराने दिनों की याद करते हैं और उसके बाद अगले दिन जो घटनाक्रम होता है वो तारा को जेल के अंदर पहुंचा देता है। और यहीं से असली कहानी फिल्म की शुरू होती है। जेल जाने के बाद मालविका यानी तारा की और जेल के बाहर आमिर यानी कि ईशान खट्टर की अपने अपने संघर्ष होते हैं। इन संघर्षों से गुजरते हुए इस फिल्म को माजिद मजीदी ने एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। एक साधारण सी कहानी थी भाई बहन के रिश्तों की और माजिद मजीदी का ट्रीटमेंट इसमें एक अलग स्तर पर जाके पहुँच गया है। तो कहानी जो है वो भाई बहन की रिश्तों पर है। आदित्य, मालविका मोहनन और ईशान खट्टर इसमें डेब्यू कर रहे हैं बॉलीवुड में और लीड रोल में हैं। तो आपको उनकी एक्टिंग किस तरह की लगी, किस तरह का किरदार है और एक्टिंग किस तरह की है? प्रतीक्षा, दोनों ही जैसा डेब्यू फिल्म है वैसा उनको लग, उनकी फिल्म ये लग नहीं रही है कि उनकी ये पहली फिल्म बॉलीवुड में, हिंदी पहली फिल्म है। ईशान खट्टर एक मुंबई के ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे हैं जिसके अंदर बेचैनी है, गुस्सा है, महत्वाकांक्षा है। वो इन सारे शेड को खूबसूरती से जीता है। अब चाहे इसके लिए उन्होंने अपने आप को माजिद मजीदी के हाथों में समर्पित कर दिया और उन्होंने उससे उनसे काम निकलवा लिया हो, लेकिन वो सभी शेड को जीते हैं। वो दिखता है जब उनके अंदर गुस्सा आता है, उनके चेहरे पे वो दिखाई देता है, उनकी आंखों में दिखाई देता है। और कैसे किसी व्यक्ति से घृणा करते हुए उसके लिए मन में प्रेम रखा जा सकता है, इसको उन्होंने एक्सप्रेशन से जाहिर कर दिया है। मालविका मोहनन की ये पहली बॉलीवुड फिल्म है, उन्होंने भी अपनी आंखों से अभिनय किया है। वो उनके किरदार में थोड़ा सा मेलोड्रामा भी है, मेलोड्रामा को जीते हुए भी वो रियलिस्टिक लगी हैं। वो लगा है कि हाँ, ये कोई हमारे आसपास का ही किरदार है। जो इसके अभिनय पक्ष की बात करें तो इन दो लीड एक्टर के अलावा जो और साइड में कलाकार हैं उन्होंने तो और ज़्यादा जान डाल दी है इसमें। माजिद मजीदी की ये खासियत है, उन्होंने जब चिल्ड्रंस ऑफ हेवन बनाई तो दो बच्चों की मासूमियत को एक अलग स्तर पे लेके गए थे। इन दोनों बाल कलाकारों की एंट्री इंटरवल के बाद आती है और तभी फिल्म में असली रिश्तों की जो गर्माहट है वो महसूस होती है। जो जिस मैजिक के लिए माजिद मजीदी जाने जाते हैं वो इंटरवल के बाद क्रिएट होता है। आदित्य, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईशान खट्टर जो है वो शाहिद कपूर के भाई है और हमने जब देखा है कि जब किसी स्टार किड को लॉन्च किया जाता है तो बड़े धूम धड़के से लॉन्चिंग होती है या फिर फिल्म थोड़ी एक्शंस वाली होती है या कुछ अलग तरीके का होता है, लेकिन ईशान खट्टर को बहुत लो अफेयर से फिल्म में लॉन्च किया गया है, बॉलीवुड में लॉन्च किया गया है। कम से कम इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं प्रतीक्षा। ईशान खट्टर को जो ये फिल्म मिली है ना, इससे बड़ी वो ओपनिंग कर ही नहीं सकते थे। उनको एक वर्ल्ड
क्लास डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, और अलग अलग इंटरव्यू में वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि उनका जो ब्रेक होगा, पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म जो होगी वो इतनी बड़ी होने जा रही है, और उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, जो स्टार किड का एक कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर निकलकर उन्होंने एक्टिंग की है और उस किरदार को पूरी तरीके से जिया है और उसके साथ न्याय किया है। किस तरह का डायरेक्शन है फिल्म में, कैसा लगा आपको डायरेक्शन? मैंने पहले भी इसको कोट किया कि एक साधारण फिल्म थी और उसको माजिद मजीदी ने एक असाधारण ट्रीटमेंट दिया है, उन्होंने रिश्तों को उभारा है। और डायरेक्शन की अगर बात करूं तो इसका जो पहला ही सीन है, पहला इसका शॉट जो है वो करीब 40 सेकंड लंबा है, अमूमन इतने लंबे शॉट बॉलीवुड फिल्मों में नहीं देखे जाते हैं, उसी शॉट से आप उसकी गिरफ्त में, जो माजिद मजीदी का रचनात्मक संसार है उसकी गिरफ्त में आना शुरू हो जाते हैं। वो मुंबई के एक पुल का शॉट है, वो ऊपर से शॉट नीचे आता है और फिर मोटरसाइकिल में बैठे और उसका दोस्त जाते हैं, वो लंबा शॉट, और जो आखिरी शॉट है एक प्रतीकात्मक शॉट है उस 119 मिनट की फिल्म में। आप माजिद मजीदी के उस करिश्माई रचना संसार में विचरण करते हैं, जो आखिरी सीन है उसमें वो साबित भी करता है कि फिल्म का नाम बियॉन्ड द क्लाउड्स क्यों है, कि उस बादल के ऊपर, बादल के पार कहीं एक उम्मीद की, एक आशा की किरण है जो हासिल करनी है हमको। 119 मिनट तक आप फिल्म से जुड़े रहेंगे, हर किरदार आपको जोड़ के रखेगा। अगर मैं बात करूं म्यूजिक की, एआर रहमान का म्यूजिक है इसमें, तो किस तरह का, क्या है? गाने तो बहुत अलग नहीं है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड स्कोर है वो जान डाल देता है। मतलब अगर कोई रन कर रहा है, भाग रहा है, तो उसमें जो तबले की थाप सुनाई देती है या जो और अलग अलग सीन है वो एकदम इन्हेंस होके आते हैं यार रहमान के बैकग्राउंड म्यूजिक में। तो गाने तो बहुत अलग नहीं है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही शानदार है, यार रहमान का बहुत शानदार काम है। हमारे दर्शकों को बताइए कि वो फिल्म देखने क्यों जाए, क्या कारण है ऐसे फिल्म देखने का? प्रतीक्षा, आपके सवाल पे मुझे एक फिल्म का सीन याद आता है, जब तारा जेल में जाती है तो वहाँ उसको 8 साल के बच्चे छोटू से मुलाकात होती है। छोटू 3 महीने का था तब से वो जेल में रहता है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ उसके ही पिता का कत्ल करके जेल के अंदर आई है। तारा के जाने के कुछ दिन बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है और छोटू और तारा में दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और छोटू पूछता है तारा से कि मेरी माँ कहाँ चली गई, तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ आसमान में गई है, चांद पर एक खूबसूरत घर है, वहीं रह रही है। और छोटू पूछता है कि ये चांद क्या होता है? आप इस एक सीन के लिए फिल्म को देखने जा सकते हैं, जब वो पूछता है कि ये चांद होता क्या है, जो लड़का 3 महीने का था और जेल के अंदर आ गया है, उसको पता ही नहीं है कि बादल क्या है, आसमान क्या है, चांद क्या होता है। तो ऐसे ढेर सारे रीजन हैं, आप एक्टिंग के लिए देखने जा सकते हैं, ना सिर्फ लीड एक्टर्स जो उसमें साइड कलाकार हैं उनके एक्टिंग के लिए देखने जा सकते हैं, आप उस सब्जेक्ट के लिए देखने जा सकते हैं, आप रिश्तों के लिए देखने जा सकते हैं। फिल्म देखने के बहुत सारे रीजन हैं और ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। जब ऐसे समाज में जब हर तरफ घृणा निराशा का दौर हो, वहाँ पे बियॉन्ड द क्लाउड्स जैसी फिल्में एक आशा की किरण देती हैं, एक उम्मीद जगाती हैं कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है और बहुत कुछ अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि संघर्षों से ही रास्ते निकलते हैं। तो इस वजह से भी फिल्म देखी जानी चाहिए। प्रतीक्षा, क्या रेटिंग देंगे आप फिल्म को? फिल्म को आप हमारी वेबसाइट पर जाके फिल्म का पूरा रिव्यू पढ़ सकते हैं। फिल्म को मैंने दिए हैं 5 में से 4 स्टार। छोटे मोटर चला, चौथा वाला गियर डाल, भेज तू पका। ओ तो बिल्कुल, आदित्य ने फिल्म को थम्स अप दिया है, बिल्कुल आप भी देखने जाएं। आदित्य भी रिकमेंड कर रहे हैं फिल्म देखने जरूर जाएं। हमारा जो फिल्म का रिव्यू है वो वेबसाइट पे है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए लोकमत न्यूज़.in।